पाली के सुमेरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुमेरपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया है। दो हिस्ट्री शीटर दोस्त बने, आपस में दुश्मन, सरेआम हुई मारपीट तो कर दी फायरिंग। फायरिंग में हिस्ट्री शीटर पंखिल परमार की मौत हो गई है और दोस्त पर फायरिंग कर दूसरा हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र सिंह थाने पहुंचा। सुरेंद्र सिंह के गुर्गे की कार जलाने के बाद दोनों हिस्ट्री शीटर्स दोस्तों में हो गई थी दुश्मनी। सुरेंद्र सिंह और विनोद घाची का बांगड़ अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने दो आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है, एक की फिलहाल अभी भी तलाश की जा रही है। हस्तपाल सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। हस्तपाल, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? ये सुमेरपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर दोनों ही दोस्त की दुश्मनी बदल गई, जहाँ पर दोनों ने आमने सामने मिलने के बाद फायरिंग कर ली, जिस फायरिंग में जो एक व्यक्ति है पंखी परमार, उसकी मौत हुई है। तो फिलहाल उनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है हस्तपाल? इस मामले में सुरेंद्र सिंह के सिर पर लगी है और दूसरे सामने वाले गुट में विनोद गांधी के दो गोली लगी है, जिसका पाली के बानर अस्पताल में उपचार अभी जारी है। हस्तपाल, आसपास कोई लोग वोग थे जिन्होंने ये फायरिंग की पूरी वारदात को देखा हो, और पुलिस क्या कुछ कह रही है मामले को लेकर? घटना के दौरान अचानक ये माहौल फायरिंग का आवाज देखते ही और आसपास मारपीट देखते ही वहाँ पे लोग भी सहम गए थे और वो भागे। लोगों ने अपने मोबाइल से इस घटनाक्रम को कैद भी किया है और सूचना के बाद पुलिस भी मौका स्थल पर पहुंची थी। अब पुलिस इसमें से एक फरार आदमी है सवाई सिंह, जिसकी तलाश की जा रही है। तो उसका कोई अभी तक सुराग लग पाया है? कब तक उसकी तलाश पूरी हो जाएगी? और जो दो गिरफ्तार, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, दो लोग जो बताए जा रहे हैं, उनसे क्या कुछ खुलासे हुए हैं, जानकारी कुछ? घटना के दौरान पुलिस ने सुरेंद्र सिंह और उसके साथ सहयोगी ने फायरिंग करने के बाद उसके थाने पहुंच गई। जब पुलिस ने उसके साथ एक कुणाल नामक व्यक्ति था, कुणाल को वही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसमें सुरेंद्र सिंह की कार में सवेश सिंह नाम का एक व्यक्ति का था, जो कि रस्ते में उतर गया था। और सामने वाले पंकीर परमार की देखे जाए तो जिसमें विनोद को गोली लगी है, पंकीर की मौत हो गई है और एक लड़का अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हस्तपाल जानकारी के लिए आपका। तो फायरिंग में हिस्ट्री शीटर पंखिल परमार की मौत हो गई है और आपको बता दें कि दोस्त पर फायरिंग कर दूसरा हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र सिंह थाने पहुंचा और सुरेंद्र सिंह के गुर्गे की कार जलाने के बाद दोनों हिस्ट्री शीटर दोस्तों में दुश्मनी हो गई और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जो आसपास लोग थे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने फोनों में कैद कर लिया और बांगड़ अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है घायल का। पुलिस ने दो आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक की अभी भी तलाश लगातार की जा रही है।